हेलो फ्रेंड्स, आज आम बनबले गई आसो चिली पनीर। तार कारण कि सामग्री लगे चाँव इं केपसिकम आम एक शेप कटि लो पनीर इं पिंज कटि लो चारिता इपिने मसला इं राइस ब्रेन ऑयल रिफाइन तेलो लब पारे निमख मेगी मसला पनीर मसला इं चिली पाउडर इं हालधी बोलक आहकसन बनबले आरम्भ करूँ। और लास्ट सामग्री तो टमेटो सॉस। आम केराही गरम होते आम राइस ब्रेन ऑयल दी आम तेल गरम हो गई है आम प्याज खिनि दी इनके एक मिनट प्याज खिनि भाजी लम। एक मिनट हो गई है प्याज भजा इतना आम केपसिकम खिनि दी दिम। आपके गैस तो मीडियम टू हाई फ्लेम राख। इनके अलग फ्राई कर लम। मैं निमख दी दी हालधी दी दी इतना अलग फ्राई हो गई है। इतना आम इते चिली पाउडर पनीर मसला और इ मेगी मसला भाल भल्ड लड़ाई ल तीन मिनट भाजी हो गई है। इतना आम इते पनीर खिनि दी दिम। पनीर खिनि जीतु अलग टाइट सेकेंडे आगते फ्राई नक हम एनेक आम अलग देरी भाजी लम। इतना आम चिली पनीर फ्राई हो गई है। इतना आम लास्ट दीबले आज टमेटो सॉस। अपना टमेटो सॉस दिले यार टेस्ट तो बेसि हम तो भल्क लड़ाई लम और एक मिनट मान इने के आम भाजी लम। इतना आम चिली पनीर रेडी हो गई है। गरमा गरम चिली पनीर आमी सार्व कर लिया आम आटा सानी लम। प्रथम निमख दी तक तेल दी लम राइस ब्रेन रिफाइन जिको ऑयल आपन यूज करे एने दरे निमख और तेल तो मिक्स कर लो। जोखमते पानी दी आम इतना आटा खि सानी लम। आटा तो अलग भल्के मुठी लब तह कोमल हम। इम आटा लाडू कोरी हो गए। इतना आम रुटी बनबले आरम्भ करम। आम इपिने रुटी होते आम गरमा गरम रुटी हो गए। नमाय लम आम रुटी बनाय हो गई आम सार्व कर गरमा गरम रुटिर चिली पनीर। आपन लगे एनेक पिंज और नेमुर सार्व कर पड़े।